ग्रेचुएशन अपना चला था एलोवेरा को फेस पे लगाना, यानी कि त्वचा के लिए कितना फायदेमंद है। अब इस सेशन में हम ये जानेंगे कि त्वचा के साथ साथ में एलोवेरा बालों के लिए कितना फायदेमंद है। हालांकि एलोवेरा एक औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटी है जो बीमारी में भी काम में आती है, त्वचा पे लगाने में भी काम में आता है, बालों पे लगाने में भी काम में आता है, और कई कई प्रकार की उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। आज के सेशन में हम यही जानेंगे कि एलोवेरा बालों के लिए कितना फायदेमंद है और उसको किस प्रकार से यूज में लें। घर पे हम डायरेक्ट उसको तोड़ करके किस तरीके से काम में लें। ताजा एलोवेरा होता है वो ज्यादा असरदार होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। जो अपन मार्केट बेस्ड प्रिजर्व की भी चीजें लाते हैं या ऐसा कोई ऑयल बनाया हुआ लाते हैं, तो उसके कंपेरिजन में आप फ्रेश को काम में लें, और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते 2 या 3 दिन का आप घर पे बना के रख सकते हैं। इससे ज्यादा ताजा जो चीज होती है या एलोवेरा होता है फ्रेश, वो ज्यादा दिन तक नहीं फ्रेश रहता है, उसको आप 2 या 3 दिन का ही बना सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो शायद आप स्किप कर देंगे तो आप आधा अधूरा नॉलेज ले पाएंगे। एलोवेरा का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं उसी के बेस पे आपको बताना चाहूंगी कि एलोवेरा मैंने स्किन पे किस तरीके से काम में लिया है और मुझे किस प्रकार से फायदा हुआ है। त्वचा के लिए मैं आपको गत से बताया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरे कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी जो मैं जैसे मतलब सेंसिटिव इतनी मेरी स्किन थी, बाहर निकलती थी तो मेरे रेडनेस हो जाता था और ऐसे लगता था जैसे आग निकल रही है। तो एलोवेरा से मुझे निरंतर उपयोग में लेने से एलोवेरा से मुझे बहुत फायदा हुआ। इसलिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट बालों में या स्किन पे ना लगा करके आप होम रेमेडीज जो चीजें होती हैं, कई प्रकार की चीजें होती हैं जो बालों के लिए फायदेमंद है, स्किन के लिए फायदेमंद है, तो कृपया करके आप उन्हीं का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके स्किन की, आपके बालों की शाइनिंग रहेगी और लॉन्ग लाइफ रहेगा। तो बालों हमारे किसी प्रकार की समस्या होती है, बालों से संबंधित समस्या होती है, तो हम सबसे पहले खाने पीने पे ना ध्यान देकर के सीधा अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं कि डॉक्टर से मेडिसिन ले ली और बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, पतले होना बंद हो जाएंगे, रूसी हो गई तो उसकी मेडिसिन लेनी, तो ये चीज गलत है। अगर आप छोटी छोटी चीजों की आप अपने अंदर कमियां ना खोज करके आप डॉक्टर्स के पास में जाते हो तो उसका सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा आपको। जो जैसे रूसी हो जाती है बालों में, खुजली होती है या बाल पतले हो रहे हैं, तो उसका घरेलू उपचार करो। घरेलू उपचार सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले तो आपको बालों के लिए क्या फायदेमंद है वो चीजें आपको विटामिन ए से संबंधित या विटामिन सी से संबंधित, स्किन और बालों से संबंधित जो भी विटामिन होते हैं वो खाने में लो। खाने में लोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपने आज खाया है तो 2 या 3 दिन में इसका फर्क नजर आएगा। नहीं, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको कम से कम इसको 15 या 20 दिन या 1 महीना तो आप समझ के चलो, 1 महीना हर चीज को, हर आयुर्वेदिक चीज को असर करने में समय लगता है, 1 महीने के बाद में दिखता है। तो आप सबसे पहले उसको खाने में उपयोग में करो। अगर बाल झड़ रहे हैं, रूसी हो रही है, खुजली हो रही है, डैंड्रफ किसी भी प्रकार का ड्राइनेस आ रहा है, और फिर उसके पश्चात आप उसका बाहरी तौर पे लगाने में उपयोग में करो, जिससे उसका रूखापन धीरे धीरे गायब हो। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए और जिस चीज की समस्या उससे संबंधित आप विटामिन्स लें। विटामिन्स और प्रोटीन्स लेने के पश्चात में आप ऊपर का उपयोग बाद में करें, यानी कि आप बाहरी तौर पे जो अपन उपयोग करते हैं वो बाद में असर करता है, पहले अंदरूनी असर को बाहर आने दीजिए, फिर उसके बाद में आप बाहरी तौर पे उपयोग करें। बाहरी तौर पे आपको कैसे उपयोग में करना है एलोवेरा का, आप चाहे तो डायरेक्ट, सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप डायरेक्टली एलोवेरा के पीस को लीजिए और उसको आपको साइड से हटा के और जो पीला वाला गुदा होता है उसको हटाना है और कुछ टाइम पर, घंटे 2 घंटे तक रखना है, फिर भी पीलापन आ रहा है तो उसको फिर से हटा दीजिए, और एक पपड़ी को हटा करके उसको आपको ऊपर की और उसका जो गुदा है वो डायरेक्टली आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं। यहाँ पे स्कैल्प पे लगाए जिससे आपकी खुजली होती है और ये डेंड्रफ होता है ये गायब होता है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि यदि ड्राइनेस है, डेंड्रफ होता है तो ड्राइनेस है तो आपको जो नारियल तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। कोकोनट ऑयल को पहले लगाएं या उसके साथ में आप मिक्स करके लगा सकते हैं, पहले कोकोनट ऑयल लगाएं फिर उसके बाद में वो लगाएं, और उसको उसको कम से कम आप आधा घंटे तक रखें।
आधा घंटे तक रखने के पश्चात में ही आपको वॉश करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लो कि आप बिजी शेड्यूल है, ऐसा नहीं है तो आप 4-5 दिन का बना के जेल बना के रखना चाहते हैं, तो आप मिक्सी में पीस करके उसका गुदे का जेल बना लीजिए, लेकिन उसको आपको एकदम से सीलबंद जार में, कांच के जार में आपको फ्रिज में रखना है, और उतना ही निकालना है फ्रेश चम्मच से, फ्रेश स्पून से। उसको आप हर तरह से काम में ले सकते हो, फेस में लगाने में भी काम में ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं मिलाना है, और उसको आप बालों में भी काम में ले सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन दोनों में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करके ही लेना है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है इसलिए स्किन ड्राइनेस होती है, थोड़ा रूखापन ले आता है, इसलिए आप लोगों को कोकोनट ऑयल को मिक्स करके ही उसका इस्तेमाल करना है। उसको स्कैल्प पे लगा दीजिए, वही आधे घंटे आपको रखना है, आधे घंटे के पश्चात आपको उसको वॉश कर लेना है। ऐसा आप सप्ताह में 3 या 4 बार कर सकते हैं, और खाने में ही आप एलोवेरा उपयोग में ले सकते हैं, तो उसी जेल को आप ले सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप 5 या 7 दिन का बना के रख सकते हैं, क्योंकि ताजा जेल जो अपन कुछ नहीं डालते हैं, अपन खुद घर पे बनाते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, इसलिए आपको उसको 5 दिन का या 7 दिन का, इससे ज्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि उसके बाद में वो नेगेटिव असर करने लग जाता है, और उसको स्किन पे लगाने से भी हो सकता है किसी प्रकार की एलर्जी हो या किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हो जाए बालों में या स्किन पे लगाने से। तीसरा तरीका ये है, एक मैंने आपको बताया डायरेक्ट लगाना सीधा सिंपल तेल लगा करके बालों में, दूसरा मैंने जेल बना करके लगाना, तीसरा तरीका ये है कि उसमें आपको और ज्यादा मतलब रूखापन है और ज्यादा अच्छी शाइनिंग लाना चाहते हैं और आपके पास में समय है, तो उसमें आप अंडे की जर्दी मिला सकते हैं व्हाइट वाली, और ला लीजिए एलोवेरा का, और जो दाना मेथी होती है उसको भी आप पीस करके, शहद मिला करके, और ये सारी चीजों का पेस्ट बना करके अच्छे से, और उसको आप बालों में उपयोग में ले सकते हैं। इससे आपके बाल अगर ड्राई हैं, डैंड्रफ हैं, खुजली आ रही है, तो इससे आपके बाल क्या होंगे, रूखापन गायब होगा और नमी लेके आएगा और शाइनिंग लेके आएगा। ये तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका कोई भी आदमी सकता है। गर्मियों में अगर ऑयली स्किन है, आपके बालों में बार बार पसीना आता है, तो थर्ड नंबर का तरीका होता है, थर्ड नंबर का बताई रेमेडीज है वो इस्तेमाल नहीं करनी है, आप फर्स्ट सेकेंड का ही करें, और किसी के ड्राइनेस ज्यादा है, रूसी है, तो आप थर्ड नंबर का तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसमें आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोजोबा ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको प्रेफर करते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एलोवेरा को हमेशा सूखे बालों में, यानी कि जैसे आपको धोना है या जिस दिन आप धोने वाले हैं, बालों को वॉश करने वाले हैं, तो उसी दिन सूखे बालों में लगाना है, गीले बालों में आपको उसका उपयोग नहीं करना है। यदि आप धोने के बाद में करते हैं तो ऐसे ही आप जेल लगा के 10-15 मिनट आप धो सकते हैं, वो एक चीज अलग है। मान लो आपने शैम्पू कर लिया और शैम्पू करने के पश्चात में आप ये सोचते हो कि थोड़ा से बालों में कंडीशनिंग हो जाए, तो आप नॉर्मल सिंपल जेल लेके, अकेला जेल लेके एलोवेरा का, और उसको आप 15-20 मिनट रखने के पश्चात उसको सादे पानी से वॉश कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आपको अगर आपने समस्या का हल करना है, तो आपको आधे घंटे नहाने से पहले, वॉश करने से पहले आपको आधे घंटे रखो उसको, फिर उसके पश्चात बालों को वॉश करो।